subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जनाब जाबिर के वालिद थे अब्दुल्ला, और ये जनाब अब्दुल्ला उन हजरात में से थे कि जो शहीद हुए जंगे ओहद में। और कहां पर शहीद हुए कि जब एक बड़ी तादाद अशरफुल अंबिया के हुक्म की मुखालफत करती हुई भाग गई, कि जिनको अशरफुल अंबिया ने मुअय्यन किया था कि जब तक मैं हुक्म ना दूं तुम इस पहाड़ी से हटना नहीं। तो वहां पर जो आखिर में चंद अफराद रह गए थे, उनमें से एक थे जनाब जाबिर के वालिद यानी जनाब हजरत अब्दुल्ला, यानी सही माना में अशरफुल अंबिया के चाहने वाले और पैरोकार असहाब में से थे, कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और उन्हें अशरफुल अंबिया ने बशारत दी थी कि तुम शहीद हो गए। लिहाजा जनाब अब्दुल्ला ने जनाब जाबिर से फरमाया था कि तुम मेरे बाद मेरी बेटियों का ख्याल करना, और कुछ वसीयतें फरमाई थी और वाज़े कहा था कि मुझे अशरफुल अंबिया ने बशारत दी है कि मैं शहीद हो जाऊंगा। तो जनाब जाबिर भी मुखलिस अफराद में से थे और जनाब अब्दुल्ला भी मुखलिस अफराद में से थे। अब फर्ज करें कि उसी जमाने में बाज असाब ऐसे थे कि जो मुनहरिफ हो गए, क्या इनको बराबर रखा जा सकता है? मिसाल के तौर पे जनाब अब्दुल्ला ने अपनी जान दे दी हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं की, लेकिन कितने लोग थे जो भाग गए? क्या ये बराबर हैं? यानी अब अगर ये कहा जाए कि जनाब हजरत अब्दुल्ला यानी वालिद जनाब जाबिर भागे नहीं, तो आप कहेंगे ये जो आपने जुमला कहा भागे नहीं, इसका मतलब है क्या कोई भागा था? तो मैं कहूं कि जी भागा था। अब आप कहेंगे आप इख्तलाफ डाल रहे हैं। ना, इख्तलाफ नहीं डाल रहे हैं, हम हकायक बयान कर रहे हैं कि हां भागे थे लोग। उनमें से एक साहब फरमाते हैं कि मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था और मैंने खुद देखा कि मैं पहाड़ी बकरे की तरह उछल रहा हूं। उन्हें खुद उस दिन एहसास हुआ कि मुझमें उछलने की बहुत ताकत है। मसलन एक साहब थे कि वो इतना दूर निकल गए पहाड़ पे भागते हुए और शोर मचा रहे थे कि जो उनके गुस्से का आलम था, और उसी प्रोपेगंडे में थे कि अशरफुल अंबिया को मार दिया गया। तीसरे एक साहब थे कि इतना दूर भागे एक दो के साथ मिलके कि अशरफुल अंबिया जब मदीने आ गए तो उसके दो दिन के बाद वापस आए, कि जिस पे आपने फरमाया लखत फरर तुम ओरैज़ा, कि ओरैज़ा के माने लिए जाते हैं कि अगर उर्दू में किया जाए तो बहुत चौड़े भागे भाई, बहुत लंबे भागे, यानी भागते 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 मदीने से भी उबूर कर गए। अब ये वही मौजू था कि जो इमरान खान ने डिस्कस कर दिया, क्या ये तोहीन है? नहीं, हकायक है। अब ये नहीं हो सकता कि जनाब अब्दुल्ला को और भागने वालों को बराबर रखा जाए। अब अगर कोई ऐसा करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अक्ल कहती है कि नहीं, बराबर नहीं है।